Hello, my future doctors. So today we will discuss three very important disorders जिनके नाम थोड़े से सिमिलर होने की वजह से आप हमेशा गलत कर देते हो. नाम आप ऑस्टियो तक पढ़ते हो, आगे देखते नहीं, और अगर पढ़ते भी हो तो कन्फ्यूज हो जाते हो. तो इस वीडियो के बाद से आप कन्फ्यूज नहीं होंगे. देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपोरोसिस में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन सा डिसऑर्डर है ये बेटा. स्केलेटल डिसऑर्डर है, स्केलेटल डिसऑर्डर. ओके, एज रिलेटेड डिसऑर्डर भी इसको बोल रहे हैं. क्यों भाई? एज रिलेटेड डिसऑर्डर. देखो, आपको पता है मीनार्क और मीनोपॉज क्या होता है बेटा. जब मीनोपॉज हो जाता है, मीनोपॉज मतलब स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना. तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गया तो क्या होता है, उस टाइम पे एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया, है ना. एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है जिसकी वजह से बोन की डेंसिटी कम हो जाती है. बोन डेंसिटी भी कम हो जाएगी. जो भी बोन में ऐसे करके आपके जो भी उसके मैट्रिक्स में मिनरल्स, फाइबर्स, वो सब लूज़ होने लगेंगे. मिनरल्स, फाइबर्स, ये सब लूज़ होने लगते हैं, मतलब पोर्स बन जाते हैं. ऑस्टियोपोरोसिस आ रहा है ना, पोर्स बन जाते हैं जिसकी वजह से बोन के मैट्रिक से मिनरल्स, फाइबर्स लूज़ होने लगे, बोन की डेंसिटी कम हो गई. अब भाई, बोन की डेंसिटी कम हो गई तो फ्रैक्चर के चांसेस भी हाई हो जाएंगे. चांसेस ऑफ फ्रैक्चर हाई हो गए. बस यही डिसऑर्डर है ऑस्टियोपोरोसिस. इसमें बस कुछ नहीं है, मेन हार्मोन आप याद रखना बेटा. एस्ट्रोजन जो है इसका लेवल कम हो जाता है तो बोन की डेंसिटी कम हो जाती है. बोन की डेंसिटी कम होगी तो ऐसे में अगर इंसान थोड़ा सा गिर जाएगा या चोट लगेगी तो फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं. बस इतनी बात आपको ऑस्टियोपोरोसिस में याद रखनी, पोर से याद रख लेना इस चीज़ को. नेक्स्ट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस. ऑस्टियोआर्थराइटिस समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना बेटा. जो भी काम कर रहे हो छोड़ दो अभी, पहले ये ध्यान से देखो. आपको मालूम है ये मैंने बना दिया साइनोवियल जॉइंट बनाया है, ठीक है. अब आपको मालूम है कि बोन को बोन से जोड़ने वाला कौन है, लिगामेंट है. लिगामेंट जोड़ता है बेटा. साइनोवियल जॉइंट के बीच में साइनोवियल कैविटी होती है, और साइनोवियल कैविटी में जो फ्लूड होता है उसको क्या बोलते हो आप, उस फ्लूड को क्या बोलते हो, साइनोवियल फ्लूड बोलते हो ना, साइनोवियल फ्लूड. अच्छा, ये बोन्स पे, ये बोन को आर्टिकुलेट यानी कि जोड़ने वाला जो काम है जिसका, लाइक दिस, इधर पे जो कार्टिलेज होगा, आर्टिकुलर कार्टिलेज होगा भाई, जोड़ रहा है, आर्टिकुलेट कर रहा है, ऐसे याद रख लो, आर्टिकुलर कार्टिलेज बेटा. ये जो कार्टिलेज है ये होगा तभी बोन्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होगा, ये समझ लो. अगर जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतना ही अच्छी बात है. अब देखो, ये रही बोन, ये बोन है, देखिए ये बोन है पैर का, आपका नी का है. तो इसके बीच में जब फ्लूड है तो बढ़िया है. अगर फ्लूड नहीं है तो जब बुढ़ापे में इंसान चलेगा तो ये फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा ना जब चलेगा. तो फ्रिक्शन होने की वजह से जो जॉइंट्स हैं वो स्वेल कर जाते हैं. मैं बताती हूँ आपको दोबारा से. देखो, आर्टिकुलर कार्टिलेज इसमें क्या होगा, डीजनरेट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा. साइनोवियल फ्लूड क्या करता है, साइनोवियल फ्लूड फ्रिक्शन रिड्यूस करता है, फ्रिक्शन रिड्यूस करता है. अब आपके पास ये फ्लूड ही नहीं है तो फिर फ्रिक्शन तो होगा ना, और जब एक से दूसरे बोन से फ्रिक्शन होगा तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा जॉइंट्स में. ओके, गॉट इट. अब अफेक्ट मेनली कौन से जॉइंट्स को अफेक्ट करेगी, अफेक्टेड मेनली नीज, आपके हाथ के फिंगर्स, पैर के फिंगर्स, और आपका स्पाइन जो है, इन सबको ये अफेक्ट करती है. ठीक है, समझ में आया बेटा. पोरोसिस का पोर से याद रखोगे. आर्थराइटिस मैंने आपको शायद पहले बताया भी है कि कहीं पर भी ITIS आता है तो इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, यानी कि सूजन, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन. और आर्थ्रो, आर्थ्री, इसका मतलब जॉइंट से रिलेटेड बात हो रही, बोन से रिलेटेड बात हो रही है. तो यहाँ से आप याद रख लो, ऑस्टियोआर्थराइटिस ये वाली बात होगी, ऑस्टियोपोरोसिस पोर्स बन रहे हैं. लास्ट ऑस्टियोमलेशिया. ऑस्टियोमलेशिया बहुत इजी है, बस इसमें इतना याद रखोगे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से बोन्स जो है पतली हो जाती हैं, बोन्स थिन हो जाएंगी. और ये मेनली किस में होगा, एडल्ट में होगा, एडल्ट में, विमेंस में ही होता है मेनली. अच्छा, सेम चीज़ विटामिन डी की डेफिशिएंसी, बोन्स थिन, अगर सेम चीज़ एडल्ट में ना होकर
बच्चे में हो जाए, चाइल्डहुड में हो, तो आप इसका नाम बदल दोगे, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, रिकेट्स। याद करने का तरीका बहुत आसान, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो रिकेट, और बड़े ही मलेशिया जाएंगे तो एडल्ट मलेशिया याद रख लो, और रिकेट का चाइल्ड से याद रख लोगे। आई होप आपको ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियो मलेशिया समझ में आया हो। मैं लास्ट टाइम फिर से एक बार आपको फटाफट से बाइंड अप करके बता देती हूँ, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या है। स्केलेटल डिसऑर्डर है, पहली बात स्केलेटल डिसऑर्डर है, पोर्स बन जाते हैं, बोन के मैट्रिक्स से मिनरल्स फाइबर्स लूज हो जाएंगे। एज रिलेटेड डिसऑर्डर है क्योंकि मीनोपॉज यानी कि स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और बिगनिंग जब शुरुआत होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, तो उसको आप बोलते हो मेनार्की, आपको पता होगा। अब मीनोपॉज हो गया तो एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा, बोन की डेंसिटी कम हो जाएगी, तो फ्रैक्चर के चांसेस भी हाई हो जाएंगे। इतना ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। ऑस्टियोआर्थराइटिस में साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज डीजनरेट हो जाता है, जिसके वजह से फ्रिक्शन होता है बोन्स के बीच में, जॉइंट्स में, तो इन्फ्लामेशन हो जाता है जॉइंट्स में। बस इतना आपको इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में याद रखना है। लास्ट ऑस्टियो मलेशिया है जिसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो बोन्स थिन हो जाती हैं, और एडल्ट में होगी ये चीज़ ऑस्टियो मलेशिया होगा, और चाइल्ड में होगा तो रिकेट्स हो जाएगा। अच्छा बेटा, ये तो याद करना ही करना है आपको, बट अब इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इस बार एग्जाम में आएगा ही, नीट 2024 में आएगा ही आएगा, ठीक है, ये देख लो। अभी तक अगर वो नहीं देखा तो कोई बात नहीं, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूर देख के जाना, माइस्थीनिया ग्रेविस और दूसरा मस्कुलर डिस्ट्रोफी ये एग्जाम में आएगा, ये मैं आपको बोल रही हूँ। अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब किया है और अगर ये क्वेश्चन ना आए बेटा तो अनसब्सक्राइब कर देना। देखो माइस्थीनिया ग्रेविस क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, सबसे पहला पॉइंट। तो अब क्वेश्चन जैसे ही पढ़ोगे ना तो देख लेना कौन सा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और कौन सा आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है। सबसे पहली बात तो यहीं से क्वेश्चन आधा समझ में आ जाएगा। जेनेटिक डिसऑर्डर बेटा, ऑटो मीन्स मतलब सेल्फ, जो बॉडी के जो सेल्स हैं वो अपने ही इम्यून सिस्टम पे अटैक करने लग जाते हैं तो उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलेंगे, ठीक है। आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखा हो तो मैंने आपको इसमें बताया था कि जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जब मसल के बीच में केमिकल रिलीज हो रहा था ACH, ये न्यूरॉन यहाँ ऊपर बना हुआ था, ये मैंने आपको सार्कोलेमा बना के दिखाया था बेटा, ये ACH केमिकल बनाया था और यहाँ पर रिसेप्टर लगे थे और एसिटाइल कोलीन रिसेप्टर के साथ जब बाइंड करता है तभी नर्व का ट्रांसमिशन होता है। अब अगर ये एसिटाइल कोलीन और रिसेप्टर बाइंड ही ना हो तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो नर्व ट्रांसमिशन ही नहीं होगा। यही काम बस कर देता है एक ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये अटैक कर देते हैं अपने इम्यून सिस्टम पे, जिसको ACH के जो रिसेप्टर हैं, ACH रिसेप्टर और ACH को बाइंड नहीं होने देते। ACH के साथ जो आपका केमिकल है एसिटाइल कोलीन, उसको रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होने देते, जिसके वजह से बेटा नर्व ट्रांसमिशन नहीं होगा। अब नर्व ट्रांसमिशन नहीं होगा तो मसल्स वीक हो जाएंगे एंड इट विल लीड टू पैरालिसिस। इतना बात आपको याद रखना है। माइस्थीनिया ग्रेविस और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें ये जो डिस्ट्रॉफी आ रहा है, यहाँ से याद रखो कि डिस्ट्रॉफिन नाम की एक प्रोटीन होती है, डिस्ट्रॉफिन एक लार्ज कॉम्प्लेक्स रॉड शेप प्रोटीन होती है, आपका डिस्ट्रोफिन, इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन बेटा, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन होना है उसके लिए डिस्ट्रोफिन होना बहुत ही एसेंशियल है। इसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में ये डिस्ट्रोफिन जो प्रोटीन है मसल्स में आपको मिलती है, ये बनना बंद हो जाती है। जब ये नहीं बनती है तब आपको जेनेटिक डिसऑर्डर, ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाता है, ठीक है। माइस्थीनिया ग्रेविस एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2024 एस्पिरेंट्स, ठीक है। माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यहाँ से याद कर लो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें डिस्ट्रॉफिन बनना बंद हो जाएगा, ठीक है, नॉट फॉर्म, डिस्ट्रॉफिन बनना बंद हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, आपका बाइंडिंग नहीं करने देते हैं, एंटीबॉडीज जो हैं वो बाइंड नहीं होने देते हैं इसको, जिसके वजह से मसल वीक हो जाएंगे, मसल वीक होंगे तो पैरालिसिस हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, नहीं आया तो बेटा एक और बार देख लो, बट प्लीज़ जब तक देखोगे नहीं, समझने की कोशिश नहीं करोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। ओके ओके बच्चों।